लाइन पर रांची में दिन दहाड़े एक युवक की रिश्तेदारों ने ही कुल्हाड़ी से काट डाला। सुकमा कोबरा बटालियन और नक्सलियों ने मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। पटना में अपराधियों ने जेडीयू के नेता की गाड़ी लूटी, ड्राइवर को बंधक बनाकर किया घायल। अब खबरें विस्तार से। रांची में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ी से ही काट डाला। यह वारदात जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हरीश शंकर साहू नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या का आरोप हरिशंकर साहू के रिश्तेदारों पर ही है। हरिशंकर साहू की पत्नी ने बताया कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसी को लेकर वे लोग जमीन के पास पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद उनके एक रिश्तेदार के बेटे ने कुल्हाड़ी से मारकर उसके पति की हत्या कर दी है। जगन्नाथ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स में भेज दिया है। सुकमा कोरबा बटालियन और नक्सलियों के मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। चितागुफा थाना क्षेत्र के जंगलों में कोबरा बटालियन और नक्सलवादी के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। वही जवानों ने नक्सली सामग्री भी बरामद की है। सुकमा के कई नक्सलियों प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान चितागुफा थाना क्षेत्र के सिगन मंडगुरु के जंगल में कोबरा बटालियन और डीआरजी के संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जो अभी जारी है। पटना में अपराधियों ने जेडीयू के नेता की गाड़ी लूटी, ड्राइवर की बंदूक के बट से किया घायल। पुलिस अधिकारी तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के कोई कई वादे करते हैं, पर राज्य भर में हो रहे अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के पॉश इलाके में भी लूट की वारदातें को अंजाम दिया गया है। यह लूट और से नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के जेडीयू के नेता के साथ हुई है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में सीने पुलिस के पास घटना को अंजाम दिया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।